वेलकम टू ट्रिप्ट लेट्स डी कॉर द मार्केट्स फर्स्ट ऑफ़ ऑल उम्मीद करते हैं एक अच्छा वीकेंड आपका रहा होगा और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं तो एक अच्छा प्रॉफिटेबल वीक भी आपका रहा होगा तो थोड़े पिछले वीक की बात कर लीजिए तो ऑलमोस्ट हमारी लास्ट वीक की तकरीबन सिक्सटीन थाउजेंड सेवनटीन थाउजेंड पिप्स जो हैं आपके पास आए हैं जो कि बेसिकली कुछ स्विंग ट्रेड्स हैं उनके हैं और कुछ मेजरली गोल्ड की ट्रेड्स एंड ऑयल की ट्रेड्स की मौजूद हैं सिल्वर भी उसके अंदर मौजूद है तो 80 परसेंट एकोरेसी के साथ लास्ट टाइम हमारी 90-93 थ्री परसेंट एकोरेसी थी इस टाइम काफ़ी थोड़ी एक्यूरेसी वाइज ड्रॉप हुआ है बिकॉज ऑल दो छोटे स्टॉप लॉसेज थे बट स्टिल एक्यूरेसी जो है थोड़ी सी ड्रॉप हुई है बट इट इज़ स्टिल अ गुड एक्यूरेसी एंड गुड पिप्स अच्छा जो ग्रुप्स हैं आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है बेसिकली uh, अगर किसी को पिछले तीन महीने का डाटा चाहिए हो, तो हमारे पास पिछले पूरे तीन महीने का जो है वो डाटा अवेलेबल है ठीक है ये आप हमारे से इसका मैं लिंक बल्कि नीचे डाल दूंगा आप इसको करेक्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं अगर आपने हमारे ग्रुप को वी आई पी को आपने अगर ज्वाइन करना हो जो कि आप स्पेशली जो है आई बी के थ्रू एक्सन एक्सर ऑक्टा की आई बी के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑल uh, दो जब आप ट्रेड ओपन करते हैं क्लोज़ करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपका जो स्प्रेड करता है ब्रोकर हमें उसका प्रॉफिट देता है या बोनस देता है हमें कमीशन बेसिकली उसमें दिया जाता है तो जो भी बात है देखिए कोई भी चीज़ हमेशा मैं बात करता हूँ कि कोई भी चीज़ दुनिया में फ्री नहीं होती ठीक है कुछ ना कुछ किसी भी फॉर्म में उसका कुछ रिटर्न uh, रहता है तो ठीक है हम आपके साथ ट्रांसपेरेंट है पहले दिन से आपको बात किया कि जी हम आपके साथ जो भी बात है वो ट्रांसपेरेंट होगी ठीक है तो ये हमारा सोर्स ऑफ अर्निंग है जो कि एक्स्ट्रा है और आप जो है अपना

लेवल आपको एक याद करने के लिए कहा था कहां तक मार्केट आई है और वहीं से मार्केट उठी और अभी भी मार्केट अगर आपने आपने से पर वीडियो आपने ट्रेड ली है तो आप अभी भी तक हंड्रेड प्रॉफिट में हैं और अभी आपको न्यूज देते हैं और आपको खुशखबरी आगे भी देते हैं ठीक है अगर ये अटैक नहीं करते ठीक है ईरान इसराइल के ऊपर अटैक नहीं करता तो ये सारा का सारा जो गोल्ड ऊपर गया सारा का सारा वापस नीचे भी आएगा फिर ठीक है क्योंकि ये बेसिकली गोल्ड आपका इस लेवल से उठा था ठीक है और इसको आप थोड़ा सा बीच में हटा देते हैं क्योंकि गोल्ड आपका इस लेवल से उठा था तो इसने इस लेवल तक आपका जाना था ठीक है और जैसे हमने ये जो न्यूज आई थी कि ईरान अटैक नहीं कर रहा और ये सारा कुछ रात के वक्त डपाया था हमने चार पांच घंटे पहले आपको अपडेट कर दिया था उस वक्त न्यूज में भी नहीं आया था किसी जगह किसी चैनल के ऊपर किसी ट्विटर अकाउंट के ऊपर किसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर कोई न्यूज़ नहीं थी हमने आपको बता दिया था कि अगर ईरान अटैक नहीं करेगा तो आपके पास ये पूरी की पूरी मूव रिवर्स होगी ठीक है और लोगों ने इससे प्रॉफिट भी बनाया और उसके बाद कुछ लोग बाय में भी बैठे हैं वो अभी भी प्रॉफिट में है तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है बिल्कुल सिंपल सी जो है ट्रेड्स रहती हैं प्रडिक्शंस रहती हैं और आ, बाकी ये एक प्रिव्यू था लास्ट वीक का आज की जो बात कर ली जाए जो इस वीक की जो बेसिकली अपडेट्स हैं वो ये है कि पहले एक एम्बेसी के ऊपर अटैक होता है ईरान की ईरान सोच हो रहा होता है कि यार हम अटैक करें नहीं करें फिफ्टी फिफ्टी उसकी डिसीजन रहती है लेकिन जैसे ही एक और एम्बेसी के ऊपर जो कि सीरिया में है ईरान की वहाँ पे अटैक हो जाता है जो कि एक कार बॉम्ब के जरिए वहाँ पे ब्लास्ट किया गया तो ईरान ने कहा नहीं अभी हमें अटैक करना चाहिए और ईरान ने जो स्ट्रेटी पकड़ी है वो यमन सीरिया लेबनान इन कंट्रीज़ के थ्रू डायरेक्टली ईरान की अपनी तरफ से भी जो है मल्टीपल अटैक्स जो है किए गए हैं और ये मल्टीपल मल्टीपल अटैक्स जो हैं वो कम्पलेक्स थोड़ा सा अटैक आप इसको कह सकते हैं बिकॉज इसके अंदर शुरू में थोड़े से जो है डमी uh, ड्रोन्स भेजे गए हैं जो कि सुसाइडल ड्रोन्स होते हैं और उसके पीछे जो है एक बलिस्टिक uh, मिसाइल या सुपरसोनिक मिसाइल जो है वो लॉन्च किए गए हैं बिकॉज़ क्योंकि आपको पता है कि इसराइल का जो सिस्टम है वो आयरन ड्रोन सिस्टम वो इंटरसेप्ट करता है मिसइल्स को तो उनको डिले करने के लिए या उनको आप समझने के डिस्टर्ब करने के लिए उन्होंने uh, ये स्ट्रेटजी की है जो कि आ, कुछ हद हाँ तक कामयाब भी रही कामयाब भी रही है बिकॉज़ कुछ जो एयरपोर्ट्स हैं और कुछ जगह जो हैं वो हिट हुई हैं और बेसिकली जब ईरान अटैक कर रहा था तो यूके ने और यू ने भी उन अटैक्स को इंटरसेप्ट किया यानी कि उनको रोकने की कोशिश की है अब बेसिकली यू जो है वो पार्ट ऑफ नैटो है और यू जो है वो एक तरह से हेड करता है सारों को तो आपको मैंने पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर ये देखिए सारी की सारी बातें वहाँ पे हैं ठीक है ईच एंड एवरी जो हमने बात की है जो हो रही है वो सारी की सारी बातें वहाँ पर मौजूद हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको जस्ट बता दूँ अगर आप ग्रुप को देखेंगे तो मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ दो मिनट में ये हम अपडेट दे रहे थे बेसिकली कुछ अपडेट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं फॉर एग्जांपल ये मैंने एक अपडेट दी थी कि एक तो मल्टीपल जगह से अटैक होगा ठीक है ये हमने ये सारी की सारी वो अपडेट हैं ठीक है ये जो ब्रेकिंग है ये ऑब्वियसली जो है कॉपी पेस्ट है डिफरेंट न्यूज़ मीडिया के थ्रू जो नीचे बोल्ड में लिखा है ये मेरे अपने कमेंट्स हैं ठीक है, है? इसमें मैंने आपको पहले बताया कि जी मल्टीपल जगह से अटैक होगा ये मैंने बात पहले भी की थी दोबारा की उसके बाद मैंने एक ये बात की ठीक है तीसरी बात जो मैंने की वो यही की थी कि आयरन डोम जो है वो फेल होगा काफ़ी लोग ये मान के चल रहे थे क्योंकि इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत है तो ईरान के जो अटैक हैं वो लगेंगे नहीं तो बेसिकली वो हिट होते या ना होते उस पर आगे बात करते हैं अब जो यूके इन्वॉल्व हो गया है यूएस इन्वॉल्व हो गया है अभी तक तो ठीक है लेकिन ईरान की जो अटैक के बाद इसराइल की स्टेटमेंट आई है वही आई है कि हमारे यहाँ कम्यूनिटीज हों या ना हों हम रिस्पॉन्ड करेंगे और अभी उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को जो है वो असेंबली बनाने का एज़ पर यू एन चार्टर लॉ उन्होंने ये डिमांड की है कि आप एक असम्बली uh, बुलाएं और ईरान uh, को जो है वो टेररिस्ट स्टेट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करें तो वो देखते हैं अभी कि डिप्लोमेटिक वे में जाके अटैक करते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं या डायरेक्ट अटैक करते हैं वैसे उनके जो कमांडर हैं उनकी स्टेटमेंट आ चुकी है कि जी हम डायरेक्ट जो है वो अटैक करेंगे और वो आज रात एक्सपेक्टेड है दूसरी तरफ ईरान ये बात कर रहा है कि अगर ये जो हमने अटैक किया ये इसराइल के अटैक के रिस्पॉन्स में किया है अगर इसराइल दोबारा करेगा तो दूसरा अटैक हमारा हार्श होगा और वो सख्त भी होगा और ये बात बिल्कुल ठीक है अगर कोई बंदा ये समझता है कि ईरान अटैक नहीं करेगा तो ये वो वो ग़लत फहमी के अंदर है ईरान ने जो इतना बड़ा स्टेप लिया है वो अपने कांधों के ऊपर नहीं लिया उसके साथ पीछे रशिया खड़ा है उसके साथ पीछे चाइना भी खड़ा है उसके साथ पीछे नॉर्थ कोरिया भी खड़ा है ये अलायंसेज़ मैंने आपको बहुत पहले अपनी सीरीज़ के अंदर बता दिए थे कि ये ये अलायंसिस रहेंगे ईच एंड एवरी थिंग वैसे की वैसे प्ले हो रही है ठीक है अभी दूसरी साइड से रशिया की भी स्टेटमेंट आ चुकी है ठीक है इसको सपोर्ट करते कि अगर यू एस ने थोड़ा सा भी हल्का से भी ईरान को टच किया बेसिकली ईरान को नहीं ईरान की ऑयल सप्लाईज को या ऑयल की जो रिफाइनरीज हैं उनको टच किया तो हम इन्वॉल्व हो जाएंगे और इसी तरह होगा बेसिकली अब वॉर का फायदा है कि लोग कह रहे हैं कि जी आप वॉर करा रहे हैं भाई हम नहीं करा रहे ठीक है हम कौन होते हैं अपने कमरे में बैठ के बोल बातें बोलने वाले और वो हो चीज़ें हो जाए हम नहीं करा रहे हमें जो चीज़ें दिख रही हैं बेस्ड ऑन हमारी नॉलेज बेस्ड ऑन हमारी जो रिसर्च है हमारी इंफॉर्मेशन है उस बेस के ऊपर जो आपको चीज़ें बताई जा रही हैं हम सिर्फ आपसे वो शेयर कर रहे हैं और वो भी कुछ हद तक शेयर कर रहा हूँ पूरी बात शेयर नहीं की अभी तक ठीक है पूरी बात मुझे पता है कुछ लोगों को और पता है जो बड़े बड़े हेज फंड मार्केट चलाते हैं डेट सीट वो आपको वहाँ से मिलेगी नहीं और मैंने जितनी बात करनी थी वो मैं कर चुका क्योंकि पब्लिक जो है वो उस तरीके से रिस्पोंड नहीं करती चीज़ों को तो जितनी बात उन्होंने मेरे ख्याल से सुननी चाहिए थी वो हमने सुना दी अब बाकी आगे क्या हो सकता है बाकी देखो अभी क्या है मंडे के मार्केट्स के लिए क्या है ओवरऑल तो वीकली एनालिसिस जो है वो शाम को इंशाल्लाह आपके साथ लाइव होगा अभी के लिए क्योंकि मैं थोड़ा सा अर्जेंट वीडियो बना रहा हूँ और मैं अभी सोने ही लगा था मैंने कहा चले आपको एक थोड़ी सी अपडेट दे दूँ अभी के लिए देखो ये है कि नाइस्टेक डो जोन्स यानी कि यू एस थर्टी और आपका क्रिप्टो मार्केट ठीक है क्रिप्टो में ऑलरेडी एक तरह की मूव आ चुकी है बट आप नाइस्टेक और जोन्स को आप देख सकते हैं तकरीबन आप नाइसटेक की अगर बात की जाए तो टू परसेंट से थ्री परसेंट फोर परसेंट आप उसके अंदर मूव डाउन साइड पे देख सकते हैं ठीक है और इसी तरह जो है डो जोन्स के अंदर भी आप तकरीबन इतनी मूव देख सकते हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंडे को हाँ अगर ये पीस हो जाता है ठीक है बिल्कुल शांति हो जाती है सारा कुछ हो जाता है मंडे मॉर्निंग से पहले पहले तो मेरी बात इन रहेगी अगर पीस हो जाता है और अगर नहीं होता तो आपको गैप डाउन प्रॉपर देखने को मिल सकते हैं ठीक है अब इसकी वजह से गोल्ड की प्राइसिस में भी आपको अपसाइड देखने को मिलेगी क्योंकि आपको एक लेवल बताया था अब अगर किसी ने इस लेवल से बाई किया है तो वो अच्छी खासी रैली पकड़ेगा ठीक है और विथ एस्ट्रो ठीक है विथ एस्ट्रो नॉट विथ ओनली विथ एस्ट्रो ठीक है क्योंकि ये चीजें चार्ट पे आपके अबू जी भी नहीं निकाल सकते हैं ठीक है तो ओनली विथ एस्ट्रो नॉट गैस ऑयल एक्सचेंजी ठीक है गैस और एक्सेंजी की बात है अच्छा एक्स जी की अगर बात की जो की जाए तो एक्स जी की मैंने आपको कुछ बात की थी कि पंद्रह के पास आपको रैली ऊपर एक्स जी की दिखेगी याद है बात याद है ना आज क्या डेट है फोर्टीन हो गई है ठीक है कल क्या है पंद्रह है आपके सर के ऊपर क्या खड़ी है वॉर खड़ी है अभी इस वक्त ईरान के अंदर जिस वक्त वीडियो बन रही है ईरान के अंदर लेबनान के अंदर इसराइल के अंदर आ, गैस की जो कार्स हैं वो लाइनें लगी हुई हैं ठीक है ठीके? गैस भरवाने के लिए गैस की लाइन्स लगी हुई हैं बिकॉज क्योंकि अभी वॉर की वजह से ऑयल की जो सप्लाई चेन है उसके अंदर डिस्टर्प्शन होगी और जब ऑयल की सप्लाई चेन के अंदर डिस्ट्रप्शन होगी तो ऑयल की प्राइसेस तो ऊपर जाएंगी जाएंगी ठीक है गैस की प्राइसेस भी ऊपर जाएंगी क्योंकि वो ऑयल की जो सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो रही है उस डिमांड को काउंटर करने के लिए गैस का यूज़ होगा तो आप देख सकते हैं कि कैसे डेट के साथ हमारी ये स्पेशलिटी है कि हम आपको डेट भी बताएंगे हम आपको टाइम भी बताएंगे, हम आपको ट्रेड भी बताएंगे उसका एस भी बताएंगे, उसका टी भी बताएंगे, और आपको साथ एक्स्ट्रा प्रोडिक्शन और सारा कुछ आपको मिलेगा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके ग्रुप की बात की जाए ठीक है तो ग्रुप में आपको क्या मिल रहा है अगर आप न्यू हैं तो आपको बेसिकली ये हमारे जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं ये आपको सारे ग्रुप्स जो हैं यहाँ पे मिल रहे हैं ठीक है थीके? डिफरेंट ग्रुप्स हैं आपको मिल रहे हैं इंट्रोड्यूस और प्रॉपर जो है कस्टम सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग के ग्रुप भी क्रिएट किया गया अगर किसी को किसी ट्रेड में मसला है ठीक है तो वहाँ पे यहाँ पे पूरा ट्रैक रिकॉर्ड के साथ आपको कस्टम सोल्यूशन दिया जाएगा एक एक बंदे को और वो अपना फॉलोअप रखेगा ठीक है तो ये चीज़ें कहीं पर भी आपको किसी कम्युनिटी में किसी ग्रुप में आपको नहीं मिलेंगी कि आपको फंडामेंटल भी बताया जाए आपको क्रिप्टो का भी बताया जाए आपको स्टॉक का भी बताया जाए फौर का भी बताया जाए और न्यूज़ आने से पहले आपको बताया जाए जो हम बात कर रहे हैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो हेडलाइन बनती जा रही है ठीक है तो अच्छा ये ऑयल के अंदर गैस के अंदर बात कर ली आपके अच्छा, है आपके बाद अच्छा डिक्सी भी आपका ऊपर जा सकता है ठीक है अब मैं ज्यादा डिटेल में जो है बात डी और बाकी चीज़ों की बात जो है मैं अपने वीकली वीडियो के अंदर करूंगा तो उसके अंदर आप कोशिश करना कि आप प्रेजेंट हों और चीज़ को लाइव देखें बिकॉज लाइव देखना और उसको बाद में देखना फ़र्क होता है बाद में आप उस तरीके से नहीं देखते हो ठीक है लाइव आप देख लेते हो दैट इज़ वाई हम लाइव का ऑप्शन ज़्यादा बेटर हमें लगता है कि लाइव जो है वो चीज़ कर ली जाए ठीक है तो बाकी ये ओवरऑल अपडेट थी कि जो गोल्ड है ऑयल है और नेचुरल गैस है वो आपके गैप अप ओपन हो सकते हैं और जहाँ तक डिक्सी भी ठीक है और नेस्टेक है आपके पास डोजोन्स है आपके पास यूएस थर्टी है और क्रिप्टो भी में भी और इवन सम मेजर करेंसी भी आपके पास गैप डाउन ओपन हो सकते हैं ठीक है ये बात तब तक वैलिड है जब तक ये चीजें सॉल्व नहीं होती अगर मंडे मॉर्निंग से पहले ये चीजें सॉल्व हो जाती हैं तो फिर हमारी बात वैलिड नहीं रहेगी जो कि वीकली एनालिसिस में आपको एक तरह से उम्मीद है कि कवर कर दी जाएगी क्योंकि उस वक्त तक काफी चीजें क्लियर होंगी ठीक है वीकली एनालिसिस हमेशा मंडे uh, मॉर्निंग से कुछ देर पहले आना चाहिए ताकि आपको मार्केट की सारी सिचुएशन जो है वो क्लियर हो क्योंकि सैटरडे में संडे में डेवलपमेंट हो जाती है काफ़ी अनाड़ी लोग जो हैं वो सैटरडे को ही डाल देते हैं ठीक है वो इसलिए डाल देते हैं ताकि मंडे को जो है डेली वीडियो एक डाल दी जाए तो थोड़ी सी पे व्यू आ जाए एक वीडियो और चली जाए थोड़े से यूट्यूब से पैसे आ जाएँ ठीक है लेकिन भाई वो तरीका सही नहीं है आपको प्रॉपर वेट करना होता है ठीक है फिर वो कहते हैं जी कि हम डम बनी है तो स्मार्ट मनी के काम है एक दिन वो स्मार्ट मनी को जो है ताने मारते हैं दूसरे दिन जो है वो कहते हैं जी हम डम मनी है तो स्मार्ट मनी चार्ट के ऊपर नहीं है ठीक है जो बंदा समझता है स्मार्ट मनी चार्ट के ऊपर है ऐसा कुछ नहीं है ठीक है स्मार्ट मनी देखने का नज़रिया है वो लेंस है जिससे आपने चीज़ें देखनी है ठीक है तो बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें इसको कमेंट करें इसको शेयर करें वीआईपी ग्रुप्स के लिए आप नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं सिंपल आईबी के थ्रू आपने ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने से पहले मेक श्योर sure कि आप रिजल्ट्स देख लें आप हमारी पिछली प्रिडिक्शन देख लें हमारे लाइव रिजल्ट देख लें हम लाइव भी कवरेज करते हैं सारा कुछ देखने के बाद अपनी तसली करने के बाद अपने लिए आप डिसीजन लें ठीक है तो टेक केयर अल्लाह हाफिज सी यू इन वीकली रिव्यू